दोस्तों, आज की कहानी है बहु आखिर अकेले कितना काम संभालोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। मम्मी जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि प्लीज़ आप सुबह सुबह साफ सफाई करने के लिए इतना परेशान मत हुआ करिए, लेकिन आप मानती ही नहीं है। जब मेरा हाथ खाली हो जाएगा तो मैं खुद ही साफ सफाई कर लूँगी। मोना ने अनुराधा के हाथ से झाड़ू लेने की कोशिश करते हुए कहा, बहु एक बात बता कि तू अकेले ही आखिर सुबह सुबह कितना ज़्यादा काम करवाए निपटवाएगी। मोहित मोना का पति के ऑफिस के लिए टिफिन बनाना, सभी लोगों के लिए शाय नाश्ते का प्रबंध करना और उसके साथ ही पापा जी को भी शुगर की दवाई पका कर देना। तुमको तो 10 काम निपटाने होते हैं, मुझको क्या, मैं तो खाली ही बैठी रहती हूँ। जरा सी झाड़ू लगा लूँगी तो कोई आफत थोड़े ही ना आ जाएगी। मुझको तो वैसे ही आदत है तुम्हारे आने से पहले तो सारा काम अकेले ही निपटाती थी, अनुराधा ने थोड़ा मायूसी से कहा, क्योंकि जब उसकी कमर में दर्द नहीं रहता था तो पूरे घर की साफ सफाई वह अपने हाथों से करती थी, क्योंकि विनायक अनुराधा के पति की हैसियत भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि वह घर के कामों के लिए वाली बाई लगा सके। लेकिन अब उम्र का तकाजा ये है कि बहुत जल्दी कमर में झुके झुके दर्द होने लगता, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से हिम्मत नहीं हारती। जहाँ तक होता मोना का काम में हाथ बटाने की कोशिश करती, बैठे बैठे सब्जियाँ काट देती, आटा लगा देती और सब काम। तो खैर मोना ज़्यादा मना नहीं करती कि चलो इसी बहाने कि हाथ पांव सलते रहेंगे, लेकिन उसको अनुराधा का साफ सफाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मोना बहुत समझाती कि मम्मी जी, जिंदगी भर तो आपने साफ सफाई का काम किया ही है, अब जब मैं आ गई हूँ तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज भी वह अनुराधा के हाथ में झाड़ू पकड़ी देखकर मम्मी जी, आपने अपनी अवस्था देखी है, अभी भी देखिए आप अपनी कमर पकड़े खड़ी हुई हैं, क्यों आप इतना मेरे बारे में सोचती हैं। मैं समय के साथ सब काम निपटा लूँगी, लाइए झाड़ू मुझको दीजिए, वरना कल से मैं झाड़ू ही सुखा कर रख दूँगी। और आखिरकार उसने अनुराधा ने बहू, तुम्हारी परेशानी के बारे में मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा, अनुराधा ने मोना के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा। मैं सोचूंगा बहू की समस्या के बारे में अनुराधा, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी घर की साफ सफाई के लिए काम वाली बाई को ढूंढो। सचमुच बहू अकेले काम करते करते बहुत परेशान हो जाती होगी। अब तो ईश्वर की कृपा से अपनी परिस्थितियां भी काफ़ी सुधर गई हैं, मेरे साथ साथ मोहित भी तो अब कमाने लगा है, फिर क्या समस्या है, विनायक ने पास आकर कहा, जो बहुत देर से वहीं पर बैठे बैठे सास बहू की मीठी मीठी नोक जोक सुन रहे थे। ये आपने सचमुच बहुत अच्छा निर्णय लिया, मैं आज से ही काम वाली बाई को ढूंढना शुरू कर देती हूँ, अनुराधा ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत जल्दी ही एक अच्छी काम वाली बाई मिल गई, अब मोना को थोड़ा घर के काम से आराम मिलने लगा और अनुराधा ये देखकर बहुत खुश हो जाती है।